मंकी दे दो। गुड बॉय, सो स्मार्ट बेबी, क्लैप क्लैप क्लैप। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, आई लव यू टाइप मैन। पता नहीं है कि सारा फैलाना स्टार्ट कर देता है। इसने तो कसम खा ली कि मम्मा को परेशान करता रहूंगा। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, आ जाओ, लाइट ऑफ कर देंगे, जाओ। चलो कोको मिले, आ जाओ। आओ चलो, देखो लगा क्या कर रहा है, फाड़ फाड़ के निकाल रहा है। क्या कर रहे हो अभी? केटल में बैठ के सारे अपने बाथ टब वाले टॉयज किसको पिंकी के साथ पकला रहा है, ये टॉयज के साथ पकला रहा है, उनको ऐसे केटल में रख रहा है, फिर उनको केटल से निकाल रहा है। क्या कर रहे हो पिंकी? तुमको पसंद है? पांडा के साथ नहीं खेलते हो तुम? ऐसी कर रहा है। डक कहाँ? डक उधर है, डक बॉटल के पास। पगला गया है सुबह सुबह। अच्छा क्या हो रहा है, क्या लड़ाई? पिंकी के सब अपने ऊपर डाल रहे हैं भाई साहब को। भाई साहब बनाना है बेबी, टीवी देख रहा है। अब मैं चलती हूँ, इनके लिए इनका लंच लाते हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो यूजली मैं आत्विक को टीवी तो दिखाती हूँ, बहुत कम दिखाती हूँ, और अभी वो राइम्स चल रहा है और मेरे को इसका लंच रेडी करना था, तो मैंने बोला भाई तू 5 मिनट देख, मैं तब तक अपना लंच ले आती हूँ। सो लंच में मैं उसको अभी पहले मैंने उसके लिए दही लगा के रखा था, तो दही और जैगरी खिलाऊंगी और थोड़े फ्रूट कट किए हैं वो खिलाऊंगी, क्योंकि हैवी ज़्यादा नहीं खिला रही हूँ, गर्मी है ना, सो इसलिए। और खिला पिला के इसको सुला दूंगी, क्योंकि भाई साहब बहुत जल्दी उड़ गए थे और बहुत उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया ना मैं क्या ही बताऊँ। मैं 3 बार उसका आज रूम सेट की हूँ, जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि मम्मा मेरी मना करती है, बट फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मेरा वो प्रॉब्लम है, क्या करूँ। एनी वे सब इसको खिला के सुला देंगे, फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स खाऊंगी और फिर उसके बाद सोचूंगी कि आज क्या करें कुछ अलग, क्योंकि रोज़ रोज़ का चीज़ तो मैं नहीं दिखाने वाले भाई, क्योंकि वो तो आपको ही पता है कि झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। सो इसलिए कहीं जा तो नहीं रहे हो क्योंकि इतनी गर्मी है। चाय रेडी हो गया है, 6:30 बज रहा है, बड़ा चाय पीने का मन किया तो चाय बना रहे हैं। जब साइन एक बार भी चाय नहीं पिया तो मैंने कहीं कोई प्रीमियम वाला समोसे लेके आए जिसमें अजवाइन वगैरह क्रिस्पी एंड पफ टाइप का है। एनी वेज अपन को तो चाय और टो से मतलब है, कोई का भी रहे, चलो फिर लेके जाते हैं। उठिए, ओए ओए, हेलो मिस्टर शाहजी, उठिए। इसको भी दिया था मैंने बेडरूम में, खिला दिया, अब साफ करना है। गड़ा खा लिए, चाय नाश्ता पानी हो गया, इसको धुलना। डैडा भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और आधविक ऐप एज यूजुअल उपद्रव मचा रहा है। देखो पानी पी रहा है, जब फैला दिया बेड पे तो मैं जा रही हूँ उसको साफ करने, और जब डैडा सो के उठेंगे तो उसको लेके जाएंगे पार्क। साइकिल भी गिरा दिए, साइकिल गिरा के पूरा फैला दिए। जाओ उठाओ जल्दी साइकिल, उठा दो साइकिल को, उठा दो नहीं पिटिया हो जाएगी तुम्हारी। देखो चिली माता लगा रहे हैं अपना, पता नहीं क्या सर क्या कर रहे हो। आओ थोड़ी पढ़ाई कर लिया जाए, आओ थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, चलो अपने घर चलो। बेटा जब तक सोते हैं रेस्ट करते हैं, तब तक मैं क्या करती हूँ आदमी को थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करा देती हूँ। सोच रही हूँ उसको फ्लैश कार्ड आज इंट्रोड्यूस करूँ, हालांकि मैंने फ्लैश कार्ड को अभी तक इंट्रोड्यूस किया नहीं है, मैंने खरीद के रखा था बट इतने सारे बुक्स हैं तो कभी फ्लैश कार्ड का मौका ही नहीं आया। सो आज क्या करते हैं, गेम खेलते हैं फ्लैश कार्ड विद आद्विक। ये रहा उसका फ्लैश कार्ड जो मैंने खरीदा था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मिलता है कलर्स, शेप, अल्फाबेट्स, नंबर्स, साइज, पार्ट ऑफ बॉडी,
एंड डे ऑफ वीक, तो पूरा ये कॉम्बिनेशन है इसके अंदर और इंटरेस्टिंग है। लेमिनेटेड कार्ड्स हैं, थोड़े छोटे हैं, मैं बड़ा वाला भी ढूंढ रही थी बट मुझे मिला नहीं कभी। और ये मैंने ना कब का लेके रखा है, आई थिंक इसको एक साल हो गए। मैं ना बहुत क्रेजी हूँ इन सब चीज़ों के लिए आदमी के मामले में, और ये मुझे कुछ 600 रुपये का पड़ा था बट वर्थ बाई, क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस ऐसे लाइक एक दो बार दिखाया था लेकिन उस समय आदमी छोटा था तो खेलता नहीं था वो बुक्स, बाकी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो अभी इट्स गुड टाइम, लेट्स सी उसको ऐसा रिएक्ट करता है। तो मैंने सोचा है ना कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो जो चीज़ें आदमी पहले से जानता है उसको इमेजेस उसके फ्लैश कार्ड्स रखते हैं एंड आई आस्क हिम टू पिक दोज, लेट्स सी अगर वो उठाता है तो। इससे क्या होगा, पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, फन गेम में खेलेंगे तो मज़ा भी आएगा उसको और एक्सरसाइज भी होगी। सो लेट्स सी, ये डंडा तो मैं फेंकूंगी, कितना डंडा फेंक चुकी हूँ लेकिन ये लड़का डंडे, अच्छा ये पिटाई नहीं करती मैं बच्चे की, तो इसलिए थ्रो आउट। तो चलो ये करते हैं, ये फ्लैश कार्ड्स तो हम इसमें से निकालते हैं। लेट्स सी, देखो वाओ बेबी व्हाट इज दिस। तो तुम्हारा पहले ढूंढते हैं, ऐसे पीछे कलरिंग के लिए गए तो आगे आप फ्रंट में, बैक में आप कलर भी कर सकते हो और फ्रंट में कलर के साथ है। मैंने कुछ कार्ड, नहीं बेटा रुको 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 अभी नहीं, मम्मा को बताना। सो ये मैंने कुछ कार्ड है ना जो आद्विक कुछ नाम जानते हैं, ए टू जेड तो जानते हैं इसमें कुछ नाम, हाँ गुड बॉय। सो मैंने इसके कार्ड्स लगा दिए हैं, मिक्स मैच किया है ताकि चेक कर सकें। मंकी कहाँ है, मंकी कहाँ है, हाँ वो तो खाए खाए बोलता है ना, लेकिन मंकी कहाँ है, दा मम्मा को दो मंकी, दे दो गुड बॉय, सो स्मार्ट बेबी, क्लैप क्लैप क्लैप। ठीक है अब लॉयन, मम्मा को लॉयन दे दो, नहीं नहीं लॉयन दो, मम्मा को लॉयन दो, लॉयन दे दो, गुड बॉय, सो स्मार्ट। अच्छा बॉल कहाँ है, बॉल दो मम्मा को, बॉल दे दो, दे दो, गुड बॉय बॉल, गुड बॉय सी बॉल। अच्छा एलिफेंट कहाँ है, एलिफेंट दे दो मम्मा को, एलिफेंट दो, गुड बॉय सी एलिफेंट। अच्छा एप्पल कहाँ है, एप्पल एप्पल एप्पल, हाँ दो एप्पल दो, नहीं रख दो डॉगी को रखो, एप्पल दो, एप्पल कहाँ है, एप्पल हाँ बाओ बाओ, ठीक है तो डॉगी के पीछे रहता है, हाँ ठीक है बाओ बाओ डॉगी दे दो, फट जाएगा बेटा नहीं करो, चलो एप्पल दे दो मम्मा को, एप्पल भी दो, अभी फट जाएगा मत करो, चलो एप्पल एप्पल। अच्छा चलो कलर बता दो सर बता दो, ये मस्ती के मूड में चला गया है। सो यू कैन नॉट फोर्स द किड टू लर्न, सो ऐसे खेलते खेलते भी इसको थोड़े खेल लेने देते हैं। जैसे अभी ये मस्ती के मूड में चला गया तो इसके साथ दूसरा गेम खेलते हैं, इसके क्लैश कार्ड्स के साथ दूसरा। सो ये दूसरा टेक्निक है जो खेलेंगे, मैं आदमी को दिखाऊंगी और उसकी वो नॉइज बताएगा और सारे बोलेगा भी साथ में। आज बच्चे 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 ले लो, ये क्या है, क्या है डॉगी, डॉगी कैसे बोलता है, सो अभी थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं इसको। और एक मिनट बेटे मम्मा को बात करा दो, ये वाले कार्ड है वो जो आद्विक नाम जानता है थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट, और ये मैंने बॉडी पार्ट्स निकाले हैं, मैं अभी आद्विक को ये सिखाऊंगी आज। सो पहले ये कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज कर लेंगे जो वो जानता है पहले से, तो उसको वापस रिमाइंडर डालेंगे, और ये जो नए हैं वो जानता नहीं है तो वो सिखाएंगे। और सबसे बड़ा डिक्लेरेशन यहाँ पे ये है कि बच्चों के साथ फन वे में खेलो, जैसे कि अभी देखो मस्ती करने चला गया तो मैं उसे फोर्स करके नहीं बैठा रही हूँ, बिल्कुल बैठाने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट खेल लेने तो खुद ही वापस आएगा बोला था ना, तो ऐसे ही आएगा। हेलो बेबी हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। मैंने ट्राईपॉड लगाया ना तो इसको ट्राईपॉड पकड़, ये लड़का तो ट्राईपॉड के पीछे पूरा कम्प्लीटली पड़ा हुआ है। सो ये फ्लैश कार्ड का आइडिया भी हम ड्रॉप करते हैं,
क्योंकि वो ट्राईपॉड के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो इसका मिनी बोर्ड बोर्ड बुक्स है ना, ये वाला, इसमें से हम निकालेंगे। हाँ देखो, ये अब ये चाहिए इनको बुक्स। सो इसमें आपका ABCD है तो वो पढ़ेंगे, और नंबर्स हैं तो वो सब करेंगे क्योंकि वो उससे फेमिलियर है। फ्लैश कार्ड आज के लिए इतना ही, किसी और दिन और अच्छे से मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा दूँ, एक बार इंट्रोड्यूस करा दूँ। मैं इसे थोड़ा सा केयरफुल हो रही हूँ क्योंकि ये फाड़ देगा, ये बहुत ज़्यादा थिक पे बोर्ड बुक जैसा नहीं है कि फटेगा नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं इसको दे देती खेलने के लिए, तब वो सीखता। ऐसे ही अपने सारे बोर्ड बुक्स निकाल के खेलने लगता है ये। सो ये कम्फर्टेबल है इसके साथ, तो हम इसको सिखाएंगे वापस इसको। एक काम तो कभी कभी मतलब मोस्टली यही करता है, फैलाता भी खुद है रखता भी खुद है। गुड बॉय। फिर काउंटिंग भी इसी माने इसका हो जाता है। चलो करो, रख दो सारे रख दो। क्या अभी ABCD पढ़ेंगे? हाँ वापस रख दो। हाँ ठीक है रखो। हाँ रख दो। अभी ABCD बन गया। एप्पल। चलो A for apple, B for ball, good boy, C for cake, cat कैसे बोलता है? दाना। cat कैसे बोलता है? drum ये है, ठीक है। पहले cat कैसे बोलता है? अच्छा ठीक है। D for drum, good boy. E for elephant. F for fish. Fan कहाँ है? Fan ऊपर, good boy. G for dog. G for giraffe. H for hen. Hen कैसे बोलता है? पापा। पापा चाहिए? जो लेके आ जल्दी से। पापा याद आ गया को, पापा मतलब पानी, गया अपना बॉटल लेने के लिए। तो ये पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद इसके नंबर्स वाले भी हैं, उनको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो इसमें ये है पीपल एट वर्क, शेप्स, एलिस इन वंडरलैंड, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, आ जा गुड बॉय, फ्रूट्स पढ़ाऊंगी, वेजिटेबल्स पढ़ाऊंगी अभी, नंबर्स ये भी पढ़ाऊंगी, उसके बाद ये है राइम्स, और भी ये है बर्ड्स, और उसके बाद है व्हीकल्स, और है कलर्स। सो इतने पूरे 12 बोर्ड बुक्स हैं। और ये देखो भाई साहब, अपना पापा लेके आए हैं पानी पीना। सो ABCD तो है क्लियर। सो आज ना आदवी को थोड़ा 1-2 पढ़ाऊंगी। इसमें प्रॉब्लम 1-2 में क्या है ना, 1-2 छोटा छोटा लिखा है लेकिन साथ में इतने सारे हैं तो बच्चों को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ये प्रेफर नहीं करती। और एक और बुक मंगाई हूँ जिसमें 1-2 लिखा नहीं है, उसमें ऐसे चीज़ें बन गई हैं तो ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये 1-2 के साथ ये चीज़ें क्यों बनी हुई हैं। सो इसलिए मैं काउंट करवाती हूँ, वो था, और वेजिटेबल्स पढ़ाऊँगी और फ्रूट्स पढ़ाऊँगी। अरे ये खाता है ना बेटे मेरा, बीट रूट, पीस। आज भी क्या खाता है ना, बीट रूट भी खाता है आज भी, तो पोटैटो तो डेली खाता है आदमी, कैप्सिकम, याम याम खा लो, थोड़ा सा याम खा लो, याम याम खा लो, याम याम टेस्टी टेस्टी, स्पिनच, स्पिनच भी खाता है, खा लो थोड़ा सा और खा लो, याम याम याम, और ब्रोकली तो खाता है बेबी, ब्रोकली, ब्रोकली कैसे खाता है, याम याम ऑनियन, क्लब, गुड बॉय। अच्छा बैठ जाओ, ये लो फ्रूट्स, आप भी तो फ्रूट्स खाता है, चलो भाई फ्रूट्स, ठीक है, बनाना, एप्पल, चलो बच्चे लास्ट, एवोकाडो तो अभी तुमने खाया नहीं, पपाया नहीं, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बाद में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के मूड में है नहीं, इससे पोपट कर रहा है मेरा, और मेरे को ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना है। जब पढ़ने के मूड में रहता है तो शांति से बैठ के पढ़ता है, जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा था फ्लैश कार्ड्स के साथ पढ़ रहा था, लेकिन अभी उसका पढ़ने का कोई मूड नहीं है क्योंकि सो के उठा ना तो अभी मस्ती मोड में है, देखो भागा भागा।
सो उसको मैं खेलने देती हूँ आज, तो फिर यही करूँगी अभी मैं। इसके पास बड़े वाले बुक भी हैं तो वो निकालूंगी बैठ के अभी पढ़ाऊंगी, आप लोगों को और बोर नहीं करूँगी। इसलिए आज के लिए इतना ही, आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, एंड ऑल्सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स। एंड ये सारी चीज़ें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, और बाकी सपोर्ट करो यार, ये छोटी सी फैमिली को बड़ी करनी है, तो डू सपोर्ट। और आज इतना ही, और इसकी मस्ती देख लो आप। बेबी टाटा कर दो, बाय बाय किची, नमस्ते कर, अच्छा नमस्ते तो कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते 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 कर दो, नमस्ते करो, जय जय करो, जय कर दो, जय करो। आज एकदम बिल्कुल मूड में नहीं है, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा ये लड़का, मैं क्या बताऊँ। तो बस हाँ, उसकी तरफ से जय नमस्ते सब कुछ मेरी तरफ से ले लो, और आई सी यू गाइस टुमारो, बाय।